नमस्ते सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत प्रेम भरा स्नेह भरा नमस्ते। आज का सत्संग हम दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। एक बहुत लंबी यात्रा जो संघ के साथ हम स्पीति वैली गए हुए थे, तो बस वो यात्रा कंप्लीट करके अभी हम दिल्ली NCR पहुंचे हैं। और आज का सत्संग हम इस शहर से, इस खूबसूरत शहर से आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार है दिल्ली में। बहुत लोगों में उत्साह है और एक फेस्टिविटी सी है यहाँ हवा में। कल मैं कुछ मित्रों से मिल रहा था तो बहुत एक फेस्टिविटी जैसा माहौल देखा। तो आज उसी के साथ फिर इस सत्संग की शुरुआत करते हैं स्वाति। हाँ जी जी, आज हम प्रश्न उचलते हैं। जी 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 निशी, हमारा पहला प्रश्न सीमा जी नई दिल्ली से पूछ रही हैं। ये पूछ रही हैं, क्या हमारे कोई इष्ट देव होने आवश्यक हैं, या फिर दुर्गा माँ, कृष्ण भगवान, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी को एक साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं, या अलग-अलग दिन एक-एक भगवान का ध्यान कर सकते हैं? सनातन सनातन में एक बहुत सुंदर परंपरा बनाई हमारे ऋषियों ने। यहाँ पे हमने कई सैकड़ों लाखों करोड़ों देवी देवताओं का निर्माण किया। हम यहाँ पीपल के पेड़, तुलसी माँ का पौधा, नदियां, पर्वत, हर चीज को पूजते हैं हम इस भूमि में। हमारे ईष्ट का एक बड़ा महत्व है हमारे साथ। आज इस बात को थोड़ा सा गहरे में समझते हैं। जब हम ये शरीर लेके इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, किसी ना किसी इष्ट के साथ हमारा तार, हमारी आत्मा का आत्मिक तार जुड़ा होता है। और ये इष्ट बाहर से देखने में आपको अनंत लगते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न लगते हैं, बट ये भीतर से एक ही ऊर्जा है। इस एक ही ऊर्जा ने अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप लेके अपने आप को इष्ट में व्यक्त किया है। और इसी तरह की कहानियां भी, जैसे आप देखें कि जब आप हनुमान जी को पूजते हो या आप भगवान शिव को पूजते हो, तो भगवान हनुमान शिव का ही एक अंश है, ऐसी कथा भी है। कहने का भाव ये हुआ कि इस एक से, एक ईश्वर से ही सभी का जन्म हुआ है। तो ये झगड़ा नहीं है कि इस इष्ट को पूजूं या उस इष्ट को पूजूं। ये पहली बात कि भीतर से गहरे में परमात्मा एक है, गहरे में सत्य एक है, उसके स्वरूप अलग अलग है। उसी सत्य ने, उसी ईश्वर ने, उसी परमात्मा ने कभी अपने आप को कृष्ण की तरह व्यक्त किया, कभी अपने आप को राम की तरह व्यक्त किया, कभी अपने आप को देवी ऊर्जा की तरह व्यक्त किया, कभी शिव की तरह, कभी हनुमान की तरह व्यक्त किया। ये पहली बात। दूसरी बात, तो क्यों सनातन में हमारे पास लाखों देवी देवता है, क्यों हम किसी भी चीज को यहाँ पूछ सकते हैं, ऐसा फ्रीडम क्यों मिला है, उसके पीछे गहरा कारण है। तीन गुण से इस पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। इन तीन गुणों से आपका भी निर्माण हुआ है। इनको हम बोलते हैं सत्व, रजस, तमस। इन तीन गुणों के मिश्रण से, इनके अलग अलग प्रोपोर्शन से आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव बनता है। किसी मित्र के स्वभाव में सत्व गुण ज्यादा होगा, किसी मित्र के स्वभाव में तमोगुण ज्यादा होगा, किसी मित्र के स्वभाव में रजस गुण ज्यादा। इन्हीं तीन गुणों के मिश्रण से आपका चरित्र, आपका एक स्वभाव सा बनता है। ये दूसरी बात। अब आपका जैसा स्वभाव होगा, आपके जैसे थॉट्स होंगे, आपका जैसा व्यवहार होगा, आपका तार उस स्वरूप के इष्ट से जुड़ा होगा। ये तय है, ये तय है बात। मगर
क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं टटोल पाते, समझ पाते, जान पाते, इसलिए हम इष्ट में भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसकी पूजा करूं या उसकी पूजा करूं, ये कंफ्यूजन चलता रहता है। तो मैंने यहां बात बोली कि जो आपका स्वभाव है भीतर से, आपका कनेक्शन, आपका तार उसी स्वरूप के इष्ट से जुड़ा ही होगा। ये आगे चलते जीवन की यात्रा में जैसे जैसे आपका स्वभाव परिवर्तित होगा, आपका इष्ट से कनेक्शन भी परिवर्तित हो सकता है। मैं ऐसे मित्रों से मिलता हूँ जो पहले भगवान कृष्ण के प्रेम में थे, फिर वो जब प्रेम उनका ग्रो किया, उनका उनका स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, उनके त्रिगुण सत्व रज स्तंभ का इक्वेशन बदलने लगा, उन्होंने पाया कि अब उनका प्रेम, अब उनका तार भगवान शिव से ज्यादा जुड़ने लगा है। ऐसा बहुत बार होता है यात्रा। ये दूसरी बात। आगे एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, एक सधे, सब साधे सब जाए, कि एक को अगर मैं साध लूं तो सब सध जाएगा, बट अगर मैं सभी को साधने लगूं तो कुछ नहीं सध पाएगा। भाव ये हुआ कहने का, आपका प्रेम, आपका अट्रैक्शन, आपका आपकी पूजा की पद्धतियां बहुत इष्टों के साथ हो सकती हैं। आप जैसे आपने बोला कि एक दिन आप एक भगवान की पूजा करते हैं, दूसरे दिन दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, मगर प्रधान इष्ट एक ही होगा हमेशा से। मैंने बोला वो परिवर्तित हो सकता है समय की धारा में, बट एक समय में आपके प्रधान इष्ट हमेशा एक ही होंगे। और ये बात आप अपने हृदय को टटोलोगे तो आप जान लोगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव एक है, आपके स्वभाव मल्टीपल नहीं होते, भीतर से आपका स्वभाव एक ही होता है एक समय में। कुछ वर्षों बाद आपके स्वभाव में तब्दीली परिवर्तन आ सकता है, कुछ वर्षों में, इसमें समय लगता है, मगर अगर आप सभी इष्ट को एक समान प्रिय मान के पूजोगे तो कुछ त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि आप प्रधान इष्ट के साथ एक गहरा संबंध नहीं बना पाए। और ये इष्ट ऊर्जा का भंडार होते हैं, ये इष्ट सिर्फ एक मूर्ति, एक मंदिर में पड़ी हुई एक तस्वीर नहीं होती है। इष्ट इज अ रियल थिंग। भगवान शिव, हनुमान, कृष्ण जी, ये रियल ऊर्जाएं हैं, ये परमात्मिक ऊर्जाओं का स्वरूप है, ये धारणा नहीं है, ये मूर्ति नहीं है। अब अगर कृष्ण का स्वभाव और आपका स्वभाव में तालमेल है तो वो आपके प्रधान इष्ट बने। अगर हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व स्वभाव आपके भीतर भी है तो आप हनुमान जी से ज्यादा कनेक्ट करोगे, वो आपके प्रधान इष्ट बन जाएंगे। और प्रधान इष्ट होना अनिवार्य है। क्यों? मैंने अभी बोला इष्ट ऊर्जा का भंडार है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है इष्ट। माने कि अगर आपका स्वभाव हनुमान जी जैसा है, वही प्रेम, वही भक्ति, वही समर्पण, वही अपने गुरु के लिए कुछ भी कर जाने की का जुनून, मानो अगर आपका स्वभाव ऐसा है, ऐसा भक्ति का स्वभाव आपके भीतर है, तब हनुमान अगर आपके इष्ट होते हैं तो जो अनंत ऊर्जा आप हनुमान जी से ले पाओगे, रिसीव कर पाओगे, उसका कोई तोड़ नहीं। वह सेम ऊर्जा आप किसी और इष्ट से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका स्वभाव उनके साथ जुड़ता है। तो इस स्थिति में हनुमान आपके प्राइम, प्रथम, सबसे ऊपर के इष्ट हुए, प्राइम इष्ट हुए आपके। इसका यह मतलब नहीं कि अब आप कृष्ण की, आप शिव की, आप राम की पूजा नहीं कर सकते, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, बट हनुमान प्रधान है। मैं पूछूं अगर आपका दिल खोल के, कि दिल में सतत, आपके ध्यान में सतत, आपके विचार में सतत किसका वास है, तो आपको दिख जाएगा कि फिर हनुमान जी का वास है, फिर वहां आपको कृष्ण का वास नहीं दिखेगा। कृष्ण आएंगे, आशीर्वाद देंगे, कभी प्रेम पूर्वक जब आप कृष्ण की ओर देखोगे, कृष्ण भी अपनी ऊर्जा देंगे, बट प्रधान ऊर्जा आपकी भगवान हनुमान की ही होगी। ये इष्ट का पूरा खेल है, ये ऊर्जा का स्रोत है ना। और अगर आप सबको एक समान रखने की कोशिश करोगे यात्रा के शुरू के पड़ाव में, तो मुश्किल होगी, क्योंकि आप एक साथ
दस व्यक्तियों से एक समान प्रेम अभी नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट साधना में आज आपकी वो कैपेसिटी नहीं, क्योंकि आज ईगो के बहुत सारे लेप लगे हैं आपके ऊपर, बहुत परतें चढ़ी हुई हैं विचारों की आपके ऊपर, अभी हृदय इतना नहीं खुला कि अभी आप सबको समान दृष्टि से प्रेम कर सके। भगवान की और इष्ट की बात छोड़ते हैं, आप मनुष्यों को भी नहीं कर पाते हैं अभी, मनुष्यों की भी बात छोड़े, अभी आप चीजों को भी, ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं कर पाते हो इक्वल दृष्टि का प्रेम। आपको अपना फोन प्रिय होगा, कोई और फोन प्रिय नहीं होगा, किसी और का फोन के प्रति आपका वो भाव नहीं होगा, अभी भेदभाव है। जब यात्रा में इस भेदभाव को क्रॉस करके आगे चले जाओगे तो सभी इष्ट एक समान होंगे, मगर वो समाधि स्थिति की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले का पूरा जो चरण है, पूरी जो यात्रा है, एक प्रधान इष्ट होने ही चाहिए। तो आप सभी की पूजा करो, मगर अपने हृदय में टटोलो कि प्रधान इष्ट कौन है, कौन ऐसे भगवान है जिनके साथ आपका स्वभाव, आपका विचार ज्यादा मेल खाता है। कोई ना कोई, जब आप इन पांचों दसों भगवानों की इष्ट की फोटो अपने सामने रखेंगे, किसी एक के साथ आपके हृदय के तार बहुत तेजी से कंपन, वो आपके प्रधान इष्ट है। और प्रधान इष्ट होना बहुत यात्रा में अनिवार्य है, क्योंकि वही ऊर्जा का स्रोत है जहां से आपको आध्यात्मिक बल मिलेगा, इसी बल के रहते आप आगे बढ़ पाओ। इसीलिए पूरे भारत के सनातन ट्रेडिशन में हमेशा इष्ट की परंपरा रही। इस बात को थोड़ा गुथे, थोड़ा समझे, हृदय में जाके अपना स्वभाव टटोलें, और उसके हिसाब से ये भी टटोलें कि कौन आपको सबसे ज्यादा पुकारता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देके ये बात खत्म करते हैं। आप कभी साधु आश्रम में आएंगे धर्मशाला, तो हम तो भगवान शिव के प्रेमी हैं, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे अनंत ऊर्जा के स्रोत तो भगवान शिव है। मगर जब आप आश्रम आएंगे तो आपको दिखेगा कि वहीं गणपति जी की भी एक सुंदर प्रतिमा एस्टैब्लिश है, वहीं श्री हनुमान जी की भी एक सुंदर प्रतिमा है, वहीं देवी की भी एक सुंदर प्रतिमा है। हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा हमारा सर, हमारा सिर इन सभी के आगे झुकता है। बट आप पूछो कि प्रधान कौन, कौन है जो सदा मेरे साथ रहता है, कौन है जो सदा मेरी सांसों, मेरे हृदय में वास करता है, तो फिर नाम भीतर से शिव का ही निकलेगा। तो ऐसी बात है, तो शिव प्रधान है हमारे। तो इसी तरह से आप अपने इष्ट, अपने स्वभाव के अनुसार टटोले, आपको दर्शन हो जाएंगे। जी धन्यवाद। जी अनिशी, अगला प्रश्न अमृतसर से ये एनोनिमस रख रहे हैं अपना नाम। ये पूछ रहे हैं, बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि आप जैसे हो ठीक हो, स्वयं को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो, यह क्षण जैसा है वही सबसे सही है, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आती, मुझे स्वयं में सैकड़ों कमियां दिखती हैं, बदलाव की आवश्यकता कैसे नहीं, कृपया इस दुविधा को सुलझाएं, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न जिस मित्र ने भी पूछा है, और बहुत मित्रों का ये भीतर से प्रश्न होगा। अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं कि किसी मित्र ने आज ये प्रश्न पूछा। इसको आज थोड़ा खोल के समझना होगा। डायरेक्ट उत्तर से पहले एक इनडायरेक्ट बात करते हैं। आजकल बहुत सारे मनुष्यों को, हम बहुत सारे मित्रों को, एक जो बहुत ज्यादा डिसीज, बीमारी जो आजकल फैली हुई है, जिसके चलते बहुत बीमारियां हो रही हैं, उसके रूट में एक बीमारी है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता यह है कि आपके शरीर के जो रक्षक सेल्स हैं, जो सैनिक सेल्स हैं,
वो अपने ही शरीर के बाकी सेलों को मारने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें मारना था बाहर से आए हुए इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस को, वो ये भूल जाते हैं, वो अपने ही सेलों को मारने लग जाते हैं। तो ऐसा समझें कि आपके शरीर के कुछ सेल आपके शरीर के बाकी सेलों को अटैक करने लगते हैं और ये अटैक निरंतर चलता है। इसी के चलते बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ये मैंने आपसे क्यों शेयर किया, क्योंकि यही कर रहा है आदमी। ये सिर्फ सेलुलर लेवल पे हमारे शरीर में नहीं हो रहा, हम यही कर रहे हैं। हम बदलाव के चलते, भीतर चीजों को बदलने के चलते एक संघर्ष में उतरे। ऐसा मानो कि हम अपने साथ शांति में नहीं जी रहे, हम संघर्ष में जी रहे हैं अपने साथ। अंग्रेजी में बोलें, वी आर एट वॉर विद आवर ओन सेल्फ। हम स्वयं से एक युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कि पूरा जीवन संघर्षमय हो चुका है, मेरे में हजार चीजें हैं जो सही नहीं है, जिसको मुझे काट काट के ठीक करना है। पूरा जीवन इंसान का लग जाता है इसमें, वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। क्या कारण है और क्यों आध्यात्मिक जगत में हम ये बात बोलते हैं कि तुम जैसे हो स्वयं को स्वीकार कर। क्या राज है इसके पीछे? बात आपने ठीक कही है कि सैकड़ों कमियां, इस पे काम कैसे करूंगा अगर स्वीकार कर लूंगा तो। अब इस स्टेटमेंट को सुनिए जरा ध्यान से। अस्वीकार में संघर्ष है, फिर से रिपीट करता हूं, अस्वीकार में संघर्ष है, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज के प्रति भी आप संघर्ष में पड़ जाओगे, आप उस चीज को ना चाहते हुए भी बहुत ऊर्जा दोगे बार बार उस पर विचार करके। आप जिस चीज पे जितना विचार करोगे उतनी ऊर्जा आप देके उसको बलवान कर रहे हो। तो संघर्ष में आप अपनी इन नेगेटिव टेंडेंसीज को ज्यादा ऊर्जावान कर देते हो, क्योंकि आप निरंतर उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो। उपनिषद कहते हैं आप जिस चीज का ज्यादा विचार करोगे वह चीज आपके जीवन में घटित होने लगेगी, प्रमाणित होने लगेगी। तो हम अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज पे बहुत फोकस करने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो बढ़ने लगेगी, इट विल स्टार्ट टू ग्रो। तो संघर्ष जिस वस्तु या जिस टेंडेंसी से भी है आपका, ये तय है कि ये टेंडेंसी ग्रो करेगी और इसी वजह से आप उस टेंडेंसी से बाहर नहीं निकल पाते। आपके पास दूसरा चॉइस भी था और है कि आप नेगेटिव टेंडेंसी की बजाय अपनी पॉजिटिव टेंडेंसी जो आपके अंदर सुंदर है, सब कुछ तो आपके अंदर असुंदर नहीं हो सकता ना, सैकड़ों कमियां आपने बताई बट सब सारी कमियां तो नहीं हो सकती, कुछ तो ईश्वर ने प्रकृति ने आपके अंदर सुंदर भी दिया होगा। क्योंकि मेरे देखे पूरा असुर होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर देव तो छुपा ही होता है, तो आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव टेंडेंसीज होंगी। अब इसी विज्ञान को वहां लगाए, संघर्ष को हटा के जब मैं पॉजिटिव टेंडेंसीज पे ज्यादा ऊर्जा देना शुरू करूं, ज्यादा फोकस करना शुरू करूं, उन्हीं को निखारना शुरू करूं, तो मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, वो ऊर्जा वो रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि अंधकार रूपी नेगेटिव टेंडेंसीज अपने आप डिलीट डिसॉल्व होने लगती है। इसको ऐसा भी हम देख सकते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी नेचुरल टेंडेंसी है गाना गाने, उसका कंठ बहुत सुंदर, उसके कंठ की आवाज बहुत सुंदर, उसको स्वर सुर समझ में आते हैं, ये उसकी नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल पॉजिटिव टेंडेंसी मानो। बट माँ बाप ने कहा कि नहीं, अपने बच्चे को तो हम इंजीनियर या डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, और उसको पुश किया आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने के, जो उसकी नेचुरल पॉजिटिव टेंडेंसी थी उस पर फोकस नहीं किया। अब ये बच्चा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गया तो बहुत ना खुश चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, क्योंकि उसकी पॉजिटिव टेंडेंसी को हमने उजागर नहीं किया, उसको ऊर्जा नहीं। ये दूसरी बात। अब इसमें एक तीसरी बात भी है, आज मैं इसकी लेयर बाय लेयर खोलना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो जीवन से संघर्ष, जीवन जो संघर्ष लगता है, स्वयं जो संघर्ष लगता है, उससे मुक्त हो जाओगे आप। अब ये तीसरी बात,
आपने कहा कि मेरे भीतर सैकड़ों कमियां हैं। मेरा प्रश्न इसके ऊपर, मापदंड क्या है? किसने कहा, क्या मापदंड है जिससे आप इनको अपनी कमियां मान रहे हो? क्योंकि बहुत डीप साइकोलॉजी में जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि बहुत सारी चीजें जिनको आप अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज, कमियां मान रहे हो, वो समाज की दी हुई हैं। वो समाज ने कैटेगरी, आपके आसपास के लोगों ने कैटेगरी बना दी कि ये गलत है, ये नेगेटिव टेंडेंसी है। शायद वो नेगेटिव टेंडेंसी है ही नहीं। सैकड़ों तो हो नहीं सकती, सैकड़ों हो नहीं सकती। तो मापदंड पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। एक मित्र मिलने आए, उन्होंने कहा बचपन से मैंने ये साधा कि मुझे सत्य बोलना है हर परिस्थिति में। फिर मैं व्यापार के क्षेत्र में उतरा, कई साल मुझे सभी लोग आके ये बोलते रहे कि ये तुम्हारी नेगेटिव टेंडेंसी है, तुम व्यापार नहीं कर पाओगे सत्य बोल के। मेरा कहीं कुछ नुकसान होता तो लोग मुझे टॉन्ट मारते कि बिकॉज तुम हर बात में हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने की कोशिश करते हो, तुम्हें नुकसान हो रहा है। कह कह के लोगों ने मेरे मित्र को विश्वास दिला दिया कि व्यापार में सत्य बोलना इज अ नेगेटिव टेंडेंसी। अब ये मित्र उसको ठीक करने लगे, अब ये मित्र झूठ बोलना सीख रहे, क्योंकि समाज ने सिखा दिया कि व्यापार में तो सत्य चलता नहीं। इसी तरह टटोलोगे, एग्जाम्पल्स लोगे तो आपकी बहुत सारी ऐसी जिनको आप कमियां बोल रहे हो, शायद वो आपने बाहर से एक्वायर की हैं, शायद लोगों ने, शायद समाज ने वो डेफिनेशन दे दी आपको दैट दिस इज अ नेगेटिव टेंडेंसी। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। बहुत सारी टेंडेंसीज नेगेटिव नहीं होती, आप उसको लेबल कर देते। अपना मापदंड सुधार। मेरे देखे मापदंड एक ही है और वह ये कि जो भी टेंडेंसी आपको सत्य, प्रेम, आनंद के करीब लेके जाए वो पॉजिटिव है। जो भी टेंडेंसी आपको सत्य, प्रेम, आनंद से दूर लेके जाती है वो नेगेटिव है। एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूं। बच्चे खिलखिला के क्लासरूम में बैठ के हंस रहे होते हैं, टीचर आके बोलता है बी सीरियस, और ये बोला जाता है कि बीइंग सीरियस इज अ पॉजिटिव टेंडेंसी। बट सारी उम्र आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो? उसी खिलखिलाहट के पीछे, वही हंसी, वही आनंद के पीछे तो भाग रहे हो। वही तो चाहिए जीवन जीने के लिए आप, वही तो आध्यात्म की भी चरम सीमा है, वो अनंत आनंद, वो तो था आपके पास बचपन। बट तब आपको ये बोला गया इट्स अ नेगेटिव टेंडेंसी, यू आर नॉट फोकस्ड। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ आप, ताकि मापदंड करेक्ट हो जाए, किसको हम कमी बोल रहे हैं और किसको हम कमी नहीं बोल रहे। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। फॉर्मूला दे चुका हूं इसका। अब इस बात की चौथी चौथी तंग, क्यों ये स्टेटमेंट बोली जाती है कि तुम जैसे हो स्वयं को स्वीकार कर रहे। और स्टेटमेंट सिर्फ ये नहीं बोली जाती, इसके साथ एक और स्टेटमेंट हम आध्यात्म में बोलते हैं, जो परिस्थिति जैसी है उसको स्वीकार कर लो, लड़ना मत, लड़ने में ऊर्जा दोगे अपने दुश्मन को, लड़ना मत। इसका यह मतलब नहीं कि बदलाव मत करना, क्योंकि बदलाव तो जीवन का नियम है। बुद्ध ने बोला इम्परमानेंस इज द लॉ ऑफ लाइफ, यह कुछ भी स्थित नहीं रहता। जगत, जिसमें गति है, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, आपके आसपास की हर वस्तु गतिमान है, आप भीतर से सतत गतिमान हो तभी तो श्वास चल रही है। तो गति यानी बदलाव तो जीवन का नियम। अब यहां देखो हमारे बुद्धि की मिस्टेक क्या होती। बुद्धि बोलती है कि स्वयं को स्वीकार कर लो, परिस्थिति को स्वीकार कर लो, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो। और हमें लगता है इसका मतलब ये बोला जा रहा है कुछ मत बदलो, गड़बड़, कुछ मत बदलो तो नियम ही नहीं है जगत का, पूरी प्रकृति सतत बदल रही है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई तो गहरा राज होगा जो ऋषियों ने ये हमें टीचिंग दी है, तो राज क्या है इसमें? तो अब ये राज पे आते हैं। राज ये है कि जिस भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हो उससे एक, आपका झगड़ा खत्म हो जाता है, दो, स्वीकार में ही बदलाव संभव है। अब ये बात थोड़ी गहरी हो गई,
कि स्वीकार में ही बदलाव संभव है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक बदलाव की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। जब तक संघर्ष में रहोगे अपने भीतर ही, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज चल रहा है, आप स्वयं अपने ही दुश्मन बने बैठे हो, अपने ही चीजों को काटने की, मैं अपनी ही बाजू को काटने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बाजू मेरी बात नहीं सुन रही। इसको काटना थोड़ी था, स्वीकार करना था कि ये बाजू मेरी बात नहीं सुन रही, प्यार से इसको समझाना था, इसके साथ मित्रता करनी थी। देखते हो दो देश, भारत और पाकिस्तान का अगर उदाहरण लें, बड़े अच्छे रिलेशंस नहीं है, बट वॉर भी नहीं है, एक्टिव वॉर में नहीं है। अब कभी भी कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है तो जरूर ये संदेह आ जाता है कि बैठ के बात की जाए, समझा बुझा के सिचुएशन को ठीक किया जाए। ये है भारत की धारणा, ये है भारत का विज्ञान, ये है भारत की समझ। क्योंकि इसके विरुद्ध की जो समझ है वो हम रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं। एक साल हो चुका है, अभी तक कंक्लूड नहीं हो पा रही वॉर। वॉर कभी कंक्लूड होती नहीं है, युद्ध कभी कंक्लूड नहीं होते। तो अगर आप स्वयं से युद्ध करते रहोगे तो कंक्लूड कुछ नहीं। तो नियम, स्वीकार में ही सुंदर बदलाव संभव है। प्रेम से ही आप स्वयं को भी और अपने आसपास के किसी व्यक्ति में भी बदलाव ला सकते हो, छड़ी से नहीं ला सकते हो। छड़ी से भय आता है, संघर्ष से भय आता है, बदलाव नहीं आता। आवरण आता है बदलाव का, भीतर का बदलाव नहीं होता छड़ी से, संघर्ष से। तो मैं स्वयं को, मैं जैसा हूं, मेरे में जो त्रुटियां हैं, मैं शिव को प्रणाम करके उसको स्वीकार करता, मित्रता करता हूं उसके साथ, देखता हूं कि क्या कोई त्रुटि भी मुझे भगवान शिव तक, आनंद तक लेके जा सकती है क्या? क्या किसी त्रुटि में भी इतनी संभावना है कि वो मुझे सत्य से मिलवा दे? मैं इसको टटोलता हूं, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं, झगड़ा नहीं करता उसका। और उसके बाद जो सुंदर है मेरे भीतर, अगर समर्पण है मेरे भीतर और समर्पण की संभावना सुंदर है मेरे भीतर, ऊर्जावान करता हूं उसको, बल देता हूं उसको। और इस प्रोसेस के चलते जो निम्नतम है मेरे भीतर, निम्नतम, वो स्वयं विलीन होने लगता है, उसको छोड़ना त्यागना नहीं पड़ता। शराब और सिगरेट की आदत को आपको त्यागना नहीं पड़ेगा अगर आपको प्रेम हो जाएगा परमात्मा से। उपवास करने के लिए आपको स्वयं को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर खाली पेट से प्रेम हो जाएगा तो, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे मित्रों को जानता हूं, आश्रम में हमारे ऐसे साधक मित्र हैं, जिस दिन उपवास रखते हैं मन और प्रफुल्लित होता है उनका, संघर्ष नहीं है उपवास रखना उनके लिए, दे फील वेरी लाइट, दे फील वेरी एजाइल, उस दिन उनकी ऊर्जा और जागी होती है। बट आपको बोले उपवास रखने के लिए तो आपको लगेगा मुसीबत हो। क्या फर्क है, स्वीकार किया, स्वीकार किया, देखा कि अरे वाह कितना सुंदर है ये, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसको ऊर्जावान कर दिया, तो संघर्ष को हटा ही दिया जीवन से, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और ऊर्जावान कर दिया उसको। ये बात बहुत गहरी है, ये जो अभी कुछ चंद बातें मैंने आपसे शेयर की है इस संदर्भ में, इनको कम से कम दो बार और सुनना। इसमें बहुत लेयर्स हैं, इसके अंदर बहुत झगड़ा है हमारा स्वयं के साथ, औरों से नहीं झगड़ा कर रहे हैं। और अगर आप अपने पड़ोसियों, अपने बीवी, अपने पति, अपने बच्चों से या अपने कोवर्कर से निरंतर झगड़ा करते हो, तो एक ही रीजन हो सकता है उसका, कि आप भीतर स्वयं से झगड़ा करते हो, उसी का परिणाम है बाहर का झगड़ा। तो हमें स्वयं को स्वीकार करना है, मित्रता करनी है। बुद्ध ने बोला मित्रता परमो धर्म, परम धर्म है मित्रता। कैसे करेंगे किसी और से अगर स्वयं से नहीं है, तो जब स्वयं को ही काटने पे लगे हैं। और अंत बात इसके, जिस दिन ये बात आपके भीतर गहरे उतरने लगेगी, उस दिन आप सिर्फ स्वयं को नहीं, हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे, आपके भीतर से डिजायर यानी चाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जड़ है हर समस्या का, आप आनंद में बैठ जाओ,
गर्मी तो बहुत सुंदर, सर्दी तो बहुत सुंदर, वर्षा तो बहुत सुंदर। मन विचलित नहीं होगा, मुझे ये नहीं वो चाहिए। अभी मन विचलित है, वो कह रहा है मुझे तेरे अंदर ये जो गुण है ये नहीं चाहिए, मुझे वो गुण चाहिए। हाँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास इज ग्रीनर द अदर साइड ऑलवेज। तुम जैसे हो इस परमात्मा की सृष्टि में, तुम्हें जैसे परमात्मा की सृष्टि ने तुम्हें जैसे स्वीकार किया हुआ है, तुम्हारी सांस चलाई है, तुम भी वैसे स्वयं को स्वीकार कर और अपनी पॉजिटिव टेंडेंसीज पे, अपने गुणों पे बहुत ऊर्जा डाल। अवगुण स्वयं तिरोहित होने लगे, फिर भी कोई अवगुण बच गया तो प्रेम पूर्वक सहला के वो विदा हो जाएगा। जब शिव से प्रेम होगा, अपने ईश्वर से प्रेम होगा, तो अवगुण स्वतः विदा होने लगेंगे। मैं मान रहा हूं कि अवगुण हैं, होंगे ही, क्योंकि रजस सत्व और तमस का खेल है ये, तो अवगुण तो होगा ही। बट फोकस किस पे करना चाहते हो, ये बात है। स्वीकार में ही बदलाव संभव है। ये वह बदलाव है जो भीतर की जड़ों से आता है, और इसका एकमात्र सूत्र स्वीकार करना है, उसके बिना नहीं। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना एक दो बार। कुछ सूत्र इसमें ऐसे हैं जो शब्दों के बीच में है, वो तुम्हारे भीतर उतर जाए तो बहुत भला हो। आशा करता हूँ ये आपकी मदद करेगा यात्रा। धन्यवाद। स्वाति, अनिश जी, हमारे पास प्रश्न भी आए हैं समूहों के, तो हम हम कुछ लाइव प्रश्न लेते हैं। जी हमारा ये लाइव क्वेश्चन करण चंदो पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न वही है जो दुर्योधन का था। ये जानते हुए भी सही क्या है, या समझते हुए भी कि क्या सत्य है, पर वो लाइफ में कर नहीं पाता, फॉलो नहीं कर पाता। इस स्थिति में मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगर आपको याद हो कि गीता में ये प्रसंग था, जब युद्ध का समय आ रहा था, तो कृष्ण एक प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास गए थे, उसको समझाने के लिए कि ये युद्ध ना हो। और जब कृष्ण ने ये प्रपोज किया दुर्योधन, सो कॉल्ड सीज फायर, या क्या बोलते हैं इसको, शांति प्रस्ताव, तो दुर्योधन ने ये पंक्तियां बोली कि हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, मगर कोई शक्ति मेरे भीतर बैठी है जो मुझसे ये करवा लेती है, और मैं उस शक्ति के अधीन हूं। इसलिए जानते हुए भी जो गलत है मैं उसका साथ देता हूं। कोई शक्ति मेरे भीतर बैठी है जो मुझसे करवा लेती है, और मैं उस शक्ति के अधीन हूं। ये उत्तर था दुर्योधन का। और इसके विरुद्ध दूसरे जो कैरेक्टर हैं गीता में, वो हैं अर्जुन। और अर्जुन ने इसी तरह का एक प्रसंग किया, कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, ये जगत क्या है, यह सत्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस परिस्थिति में ये करूं या वो करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं हे कृष्ण, मुझे नहीं सूझता मार्ग क्या है, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। ये कृष्ण का एंगल था। गहरे में देखें अगर आप दोनों की बात को, दुर्योधन बोल रहे हैं कि मुझे सब पता है कि सही क्या गलत क्या, बट मुझसे हो जाता है। यानी दुर्योधन बोल रहे हैं कि मैं परिस्थिति का, मैं आदतों का अधीन हूं, जिसको दुर्योधन बोल रहे हैं कि कोई शक्ति मेरे हृदय में वास करके मुझसे ये करा लेती है, और मैं उस शक्ति का अधीन हूं। क्या बोल रहे हैं दुर्योधन? दुर्योधन बोल रहे हैं
मेरे भीतर आदतों की ऐसी गहरी परत पड़ चुकी है कि उसने मुझे अपने अधीन बना लिया है। मैं इन आदतों का गुलाम हूं, मैं इन कंडीशनिंग का गुलाम हूं, और मैं जैसा वो आदतें और कंडीशनिंग बोलती है मैं वैसा कर देता हूं, जानते हुए भी कि ये गलत है। बट इसके विरुद्ध अर्जुन ने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा मार्गदर्शन करो। अर्जुन ने सिर झुकाया, अपना शीश झुका के कृष्ण को गुरु माना और पूछा कि मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के अंदर भी नेगेटिव टेंडेंसीज, आदतें या कंडीशनिंग नहीं होंगी, अर्जुन के अंदर भी होंगी। अर्जुन भी तो मनुष्य हैं और दुर्योधन भी तो मनुष्य हैं, तो अर्जुन के अंदर भी नेगेटिव टेंडेंसीज थी, तभी वो उस युद्ध से भाग जाना चाहते थे। वो उनकी नेगेटिव टेंडेंसी का प्रतीक है। वो सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले जाना चाहते थे, भगोड़े वाला एटीट्यूड। अर्जुन डर गए, वो भाग जाना चाहते, एटीट्यूड है भगोड़े का, ये नेगेटिव टेंडेंसी होगा। ये एक आदत मान लेते हैं अर्जुन की कि वो इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। मगर एक बड़ा गहरा अंतर इन दोनों के भीतर, और वो अंतर ये कि अर्जुन अपने हैबिट्स, अपनी कंडीशनिंग को पे काम करना चाहते हैं, वो उससे मुक्त होना चाहते। दुर्योधन उससे मुक्त ही नहीं होना चाहते, वो तो प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। तो करण प्रश्न ये है, क्या वाकई ही हृदय से तुम इससे मुक्त होना चाहते हो? जो भी तुम्हारी आदतें, जो भी तुम्हारी कंडीशनिंग है, जो जानते हो भी तुमसे गलत करवाती है, क्या तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो? अगर तुम्हारी मुक्ति का भाव कुनकुना है, कुनकुना समझते हो, अधपका है, तो ये टेंडेंसीज हावी होती रहेंगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मगर जिस दिन इस मुक्ति का भाव तुम्हारे भीतर 100% हो गया कि इसके साथ मैं जी ही नहीं पा रहा हूं, जब ये 100% आग तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब तुम इन आदतों से मुक्त हो पाओ। नहीं तो बार बार आज जागोगे कल गिरोगे, फिर परसों जागोगे तरसों फिर गिरोगे। इसका एक ही मतलब है कि मैं पक नहीं रहा हूं, अभी मैं पका नहीं, अभी ये टेंडेंसीज की का जो ताप है, इस ताप ने मुझे पूर्णतः जलाना शुरू नहीं किया। एक कोट पढ़ा था मैंने बहुत पहले ओशो का, सुंदर कोट्स लिखते हैं, कहते थे, तो कुछ किसी ने उनका एक कोट बनाया, मुझे बड़ा प्रिय लगा वो। उन्होंने कहा कि योर अर्ज मस्ट बिकम अर्जेंट, ये ताप जो तुम्हारे भीतर है ये सुलग जाना चाहिए, इसमें ये भड़क जाना चाहिए, इसमें आग लगनी चाहिए, तभी, सिर्फ तभी तुम इन टेंडेंसी से मुक्त हो। तो देखो फिर अर्जुन का एग्जाम्पल, अर्जुन बैठ ही गए कृष्ण के चरणों में, और ऐसा नहीं कि पहले वाक्य में ही बात मान ली थी, क्योंकि टेंडेंसीज गहरी थी, आदतें गहरी थी, प्रवृत्तियां गहरी थी। मगर उन्होंने एक तो बात तय कर ली कि अब मैं यहां बैठा हूं कृष्ण के चरणों में, अब उठूंगा नहीं जब तक ये 700 श्लोक पूरे ना हो जाए, जब तक बात समझ ही ना आ जाए, मैं बस बैठ ही गए बात, और पूछते रहे प्रश्न, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्या, वो क्या। और कृष्ण भी अद्भुत आचार्य है, अद्भुत गुरु है, वो भी थके नहीं, वो भी अंत तक, जब तक कि शिष्य को बात पूर्णतः समझ नहीं आ गई, वह भी लगे रहे। ये गुरु का कमिटमेंट होता है तुम्हारे प्रति, ये आचार्य का कमिटमेंट होता है स्टूडेंट के प्रति। मगर एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ सीकर, हमारा कमिटमेंट नहीं होता। हम कभी भागते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, और जिन जिन क्षणों में हम वापस आते हैं, उन उन क्षणों को हम एंजॉय करते हैं, और हमें लगता है वाह वाह, देखो मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं वापस आ गया। समझ रहे हो इस बात को? अर्जुन ने ये नहीं किया, बैठा तो बैठ ही गया, एक बात तो पकड़ ही ली थी अर्जुन ने, और चाहे बातें पकड़ने में पूरी गीता कहनी पड़ी कृष्ण को, वो बात ठीक, बट एक बात तो पकड़ ही ली, क्योंकि ताप बढ़ चुका था अर्जुन के अंदर, समस्या बढ़ चुकी थी, अब वो इससे मुक्त होना चाहता था। प्रश्न, क्या तुम अपनी इस अवस्था से,
अपनी इन टेंडेंसी से वाकई ही मुक्त होना चाहते हो, या कई घड़ियों में तुम्हें लगता है मुक्ति चाहिए, कई घड़ियों में यू आर कंफर्टेबल विद दैट। ये हमारी समस्या है, किन्हीं परिस्थितियों में हम उस चीज के साथ दोस्ती कर लेते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में हम उसके साथ दुश्मनी कर लेते हैं, हम टिकते नहीं है। हृदय को टिक जाना होगा, दोस्ती करो तो फिर दोस्ती ही कर लो, नहीं करो तो फिर नहीं ही करो, पर टिक तो जाओ एक जगह। जिस दिन ये प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर जाग गई कि बैठे तो बस बैठ ही गए, अब बात समझ के ही उठे, जिस दिन ये मुक्ति का भाव तुम्हारे भीतर बहुत गहरा गया, उस दिन ये प्रवृत्ति बदल जाएगी। नहीं तो तब तक हम बिल्कुल दुर्योधन वाले टेंडेंसी को ही ऊर्जा देते जा रहे हैं। और दूसरी एक छोटा एक नियम इसमें और है जो गहरा है, जितना अपने वाक से और अपनी थॉट से, मैंने इसका उत्तर उत्तर पहले प्रश्न में भी दिया है, जितना अपनी नेगेटिव टेंडेंसी के साथ झगड़ा करोगे, जितना उनको ऊर्जा दोगे वो उतना गहरा है। तो क्या तुम उनके बारे में बार बार बात करते हो? क्या तुम बार बार मित्रों को ये बोलते हो मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है? अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम इन कमियों को बहुत ऊर्जा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बोला हुआ हर एक वाक, हर एक शब्द तुम्हारी ही टेंडेंसी को एक लूप बना देता है, सेल्फ हिप्नोटिक लूप बनता है। मैं जो बोलता हूं मैं उस पर विश्वास करने लगता हूं, मैं फिर वो बोलता हूं उसी बात पे मेरा विश्वास और गहरा हो जाता है, ये लूप बन जाता है और इससे मुक्त नहीं हो पाते। फिर आश्रम में अक्सर एक बात करता हूं और वो बात है वाक शुद्धि। मैं क्या वाक बोल रहा हूं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ये एक लूप बनाएगा। वाक शुद्ध करना ही होगा हमें, स्वयं के बारे में, परिस्थिति के बारे में, जगत के बारे में। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूं करण, जो पहली मुलाकात में ही कम से कम 5 बार मुझे ये बोलते हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ, इस वजह से मैं वैसा हूं। एक 10 मिनट की मुलाकात में मैं उनके मुख से 5 बार ये बात सुनता हूं कि ये घटना घटी बचपन में, इस वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, इस वजह से मेरे अंदर ये चीजें, ये नेगेटिव टेंडेंसीज आ गई। वो समझ नहीं पा रहे इस बात को, वो जितना ये बोल रहे हैं उतना ये और मान रहे हैं, जितना वो इस बात को और मान रहे हैं उतना ये चेन, ये जंजीरें, इनकी जकड़ उतनी गहरी होती जा रही है। क्यों नहीं वो लोग आके मुझे ये बोल सकते कि मैं सोता हूं तो मुझे शिव दिखते हैं, मैं खाता हूं तो मुझे थाली की प्लेट में शिव के दर्शन होते हैं, मैं सांस लेता हूं तो ऐसे लगता है कि वाह ये तो कैलाश की हवा मैं सूंघ रहा हूं। वो क्यों नहीं ये बोलते? वो क्यों अपने वाक को शुद्ध नहीं करते? वो क्यों ये बात नहीं समझ रहे कि जो बोल रहे हैं वही सत्य बनता जा रहा है और वो गहराता 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 जा रहा है? जब तुम वाक शुद्धि पे काम करोगे तो विचार शुद्धि भी होने लगेगी, क्योंकि वाक और विचार जुड़ा है। जिस दिन तुम वाक शुद्धि को प्योरीफाई करोगे उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार भी प्योरीफाई होने लगे। इसलिए इसलिए अपनी किसी भी कमी के को, ऐसे बोलते हैं, अपनी किसी भी कमी का कोई रीजन मत, उसको कोई रीजन मत दो। खूंटी होती है रीजन, ओह क्योंकि ऐसा हुआ इस वजह से मैं ऐसा हूं, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मेरे माँ बाप ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा हूं, मेरा क्या दोष उसमें, ऐसा बोलते हैं लोग। बट ऐसा होता नहीं, तुम जैसे हो उसकी एकमात्र जिम्मेवारी तुम्हारी है। कोई डीएनए, कोई जीन यहां काम नहीं कर रहा, अब मेडिकल साइंस भी इस बात को बोलने लगे। कोई बचपन की कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं ढाल रही है, तुम आज जैसे हो उसका एकमात्र रीजन तुम स्वयं हो, तुम्हारी खुद की वाक, तुम्हारी खुद के विचार हैं। तो मैंने फॉर्मूला दिया तुम्हें, मैंने 3 फॉर्मूले दिए अगर तुम नोट कर पाए तो। पहला, बैठे हो तो फिर बैठ ही जाओ कृष्ण के पास, फिर भागना मत। दूसरा, अपने वाक को साधो, क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, इसको साध लो।
लूप मत बनाओ नेगेटिव। तीसरा, विचार को भी साथ में साधना शुरू कर दो, और वाक सदेगा तो विचार स्वतः सदेगा, थोड़ा प्रयास करोगे तो जल्दी सदेगा। हम हर परिस्थिति में, अपने हर अवगुण में हम शिव को देख सकते हैं, और जिस दिन तुम्हें अपने अवगुण में शिव दिख गए, उस दिन अवगुण गुण में तब्दील हो जाएगा। ये नियम है। आशा करता हूं ये बात तुम अपने हृदय में गहरे बसाओ, सिर्फ मस्तिष्क में नहीं। जिस दिन ये बात तुम्हारे हृदय के गहरे गहरी गुफा में चली गई और तुमने इसको गुथना शुरू किया, उस दिन तुम देखोगे एक बड़ा परिवर्तन जीवन में आने लगे। धन्यवाद। स्वाति, समय को देखते हुए आज के प्रश्नों की गहराई और इंटेंसिटी को देखते हुए मुझे लगता है आज यहीं रुकना चाहिए। कभी कभी नहीं तो गियर ज्यादा डल जाता है तो वो गाड़ी खींच नहीं पाती। तो बट आज का सत्संग समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, कोशिश करें कि अपनी रीढ़ को सीधा रखें, एक गहरी धीमी सांस लें, धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरी धीमी सांस भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस को, धीरे धीरे छोड़। अपनी पूरी चेतना, पूरी जागरूकता इस क्षण में लेके आए। कोई और विचार नहीं, पूरा ध्यान इस क्षण पे। सांस को देखते रहें, जैसा भी फ्लो है सांस का उसे स्वीकार कर। उथला है तो उथला, गहरा है तो गहरा, तेज है तो तेज, धीमे है तो धीमे, पूर्णता स्वीकार करें। अब अपने हृदय पूर्वक अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने किसी गुरु का स्मरण करें, पूरे हृदय पूर्वक। जिस भी ईश्वर की प्रतिमा से आपको प्रेम है उनका स्मरण करें। किसी गुरु का स्मरण करें और हृदय पूर्वक उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें। कि उन्होंने आपको आज इस काबिल बनाया कि आप एक सत्संग में अपना योगदान दे पा रहे हैं, आप एक सत्संग में बैठ पा रहे हैं।
ये उनके आशीर्वाद से संभव हुआ है, आपके गुरुओं के, आपके इष्ट के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है कि आज हम में सत्संग में साथ में। किसी सत्संग में होना, किसी साधु का संग मिलना बहुत भाग्य से होता है। आशीर्वाद है कि हम इस सत्संग में साथ हो पाए, हृदय से नमन करें अपने इष्ट को, अपने गुरु को। प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद बना रहे आप, उनकी ऊर्जा का तार आपसे जुड़ा रहे, बल मिलता रहे आप इस सुंदर सत्य की, आनंद की यात्रा पे और आगे और गहरे जाने का। ये बल मिलता रहे आपको सतत अपने ईश्वर, अपने गुरुओं से। तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आप सबके जुड़ने के लिए। एंड बिफोर वी एंड द सेशन, सब लोग अपना कैमरा खोलें, एक सुंदर दर्शन का समय है, हम सब एक दूसरे का दर्शन कर पाए, सभी साधुओं का दर्शन कर पाए। कितने सुंदर चेहरे, कितने भावपूर्ण चेहरे, कितने आनंदित चेहरे, रियली फिल्स माई हार्ट। आप सबको इस अवस्था में, ध्यान की इस अवस्था में, प्रेम की इस अवस्था में देख के बहुत दिल को आनंद मिलता है। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी के साथ। हम जल्दी मिलेंगे फिर से, तो थैंक यू स्वाति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी, इस सुंदर संडे को, रविवार को इतना सुंदर बनाने के लिए, हम सभी के लिए, और आप ही के कारण हम सभी से मिल पाते हैं, ये संग जुड़ पाता है हमारे से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, और सभी मित्रों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। हम सबकी यात्रा इस तरह एक साथ चल रही है, एक सत्संग की तरह हम गुरु के मार्गदर्शन में इस उनकी उनके शब्दों को अपने भीतर ले पा रहे हैं। वो हम ये एक बहुत सुंदर अवस्था होती है दिल की, तो वो हो नहीं सकती अकेले, वो सभी संघ के साथ ही हो सकती है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, और आपके प्रश्न हो तो हमें जरूर भेजें। जितने भी क्वेश्चन आज हमें लाइव मिले हैं, हम उन क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे अपनी लिस्ट में, और आने वाले सभी एपिसोड्स में हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे श्री अनीश जी तक पहुंचाना। और आपकी कुछ भी फीलिंग, कोई मैसेज, धन्यवाद या कुछ भी आप चाहते हैं श्री अनीश तक पहुंचाना, तो यहाँ चैट में भी लिख सकते हैं, या बहुत सुंदर रहेगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भेजें, और बिल्कुल सोचे ना, उसमें दिल से जो आ रहा है अनीश जी के लिए आप लिखिए, हम आपके सभी मैसेजेस उनसे शेयर करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस देखना, आप अपने दिल से जो शेयर करते हैं उनको वो पढ़ना बहुत सुंदर लगता है। तो प्लीज आप भी शेयर करें, और आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी हम कोई वीडियो भेजते हैं या आने वाले सत्संग के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक आती है,
अपने मित्रों तक पहुंचाने में संकोच ना करें, आप शेयर करिए। बिल्कुल, आप संघ का हिस्सा हैं, आप साधु का ही आश्रम का ही एक पार्ट हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा सोचें कि जिस तरह आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसी तरह आपको भी आगे इस मैसेज को पहुंचाना है, तो फ्रीली भेज दीजिए करिए और लोगों को इसका पार्ट बनाएं और लोगों को इस आनंद को एक्सपीरियंस करने दें। तो बस इतना ही था मेरे मेरी तरफ से। हम वीडियो जल्द ही शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी का, श्री अनीश का, शिव का और सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले महीने के पहले संडे फिर। थैंक यू, ओम तत्सत।